हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे ट्रेसिंग नंबर्स 1 to 20। ठीक है, तो आप देख ही रहेंगे 1 to 20 हमारा लिखा हुआ है। अगर आपको 1 to 10 आता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो उसके लिए हम लोग कलर यूज़ करेंगे पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर वेस्ट ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 1, तो 1 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग आ जाएंगे नंबर 2 पे। टू देखिए, टू कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसा ट्रेस करेंगे। तो ट्रेसिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है, आपके जो अनकॉन्शियस वो होता है, माइंड होता है, वहाँ पर आपका सेव हो जाता है कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 3 हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 4 पे। तो ये है हमारा 4। तो 4 को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो सेम आपको बाकी सारे नंबरों से भी करना है। और ये प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजिली इससे याद भी हो जाता है आपको। तो ये लीजिए हमारा 5 भी हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे 6 पे। तो ये है हमारा 6। तो ये देखिए हम 6 को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा 6। अब हम लोग आ जाते हैं 7 पे। तो ये है हमारा 7। 7 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। और देखिए हम लोग सेम कलर्स यूज़ कर रहे हैं जो हमने टॉप पे यूज़ किया फर्स्ट रो पे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोग कलर भी सीख जाएं। तो ये देखिए हमारा 8। 8 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेड, सेम जो ऊपर हमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 9 पे। 9 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रीन कलर। तो देखिए आप कलर से भी आपको मज़ा आ रहा होगा करने में, बोरिंग नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग बना के इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा ये। तो ऐसे ही पढ़ाई करने में मज़ा आता है। ये लीजिए 10 हो गया हमारा। हम लोग आ जाएंगे 11 पे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वे में याद करेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को बहुत जल्दी और बहुत आराम से याद हो जाएगा। ये हो गया हमारा 11। अब हम लोग आ जाएंगे 12 पे। तो देखिए 12 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये है हमारा 12। 12 के लिए हम लोगों ने ब्लू कलर यूज़ किया, जो सेम हम लोग टॉप पे दोनों यूज़ किए हैं। अब ये हो गया 12। हम लोग आ जाएंगे 13 पे। 13 के लिए हम लोग सेम रेड कलर जो ऊपर से चला आ रहा है वही हम लोग यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा 13। अब हम लोग आ जाएंगे 14 पे। तो 14 के लिए हम लोग सेम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं जो टॉप पे हमने यूज़ किया 4 और 9 के लिए। ये हमारा हो गया 14। अब हम लोग आ जाएंगे 15 पे। 15 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज जो हम लोगों ने टॉप पे यूज़ किया है 5 और 15 पे। तो ये हमारा वो हो गया 15। हम लोग आ जाएंगे 16 पे। तो ये है हमारा 16। 16 के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिंक कलर जो हमने बाकी वो टॉप पे यूज़ किया है। हम लोग आ जाएंगे 17 पे। तो ये है हमारा 17। देखिए ये है हमारा 17। तो 17 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। हम लोग आ जाएंगे 18 पे। ये है हमारा 18। ये देखिए ये हमारा 18। हम लोग आ जाएंगे 19 पे। देखिए फटाफट से हम लोग 19 पे कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 19 हो गया। हम लोग आ जाएंगे 20 पे। तो ये है हमारा 20। तो 20 कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए ऐसे इंटरेस्टिंग वेज हम लोग को निकालने पड़ेंगे ताकि आप लोग को बहुत आसानी से याद हो जाए। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोगों के लिए एक बार हम लोग काम करते हैं, फ्रॉम द टॉप रिपीट कर लेते हैं ताकि एक बार रिविजन हो जाए। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और आप लोग भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।